वेज रेसिपीज़ में आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल हक्का नूडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये सब इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन चिली सॉस स्पाइसीनेस के लिए, टोमेटो सॉस टैंगीनेस के लिए, और थोड़ी सी मिठास के लिए आप यहाँ पर रेड चिली सॉस भी ले सकते हो। यह है शेजवान चटनी जो इसको स्पाइसीनेस देगी और एक कलर भी देगी अच्छा सा। यह है गार्लिक, यह है ग्रीन चिली चॉप्ड, यह है ग्रेटर जिंजर, यह है बीन्स जो कि हमने स्लैंट में काट ली है। प्रेजेंटेशन के लिए आपको ऐसे काटनी है, ये आप देख सकते हैं मैंने स्लैंट में काटी है, सीधी नहीं काटी है। यह है कैरेट, कैरेट को आप स्लाइस कर ले पतले पतले और उसे तिरछा तिरछा लंबे लंबे काट ले। यह है चॉप्ड ऑनियंस और ये है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे चाइनीज़ को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। यह है सोया सॉस, यह है चॉप्ड कैबेज, आप रेड येलो ग्रीन कौन से भी बेल पेपर ले सकते हैं यहाँ पे। यह है विनेगर और यह है काली मिर्च। यह है नूडल्स जो अब हम पकाने वाले हैं और हम लेंगे स्प्रिंग अनियंस जो कि हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे बाद में। ये हमने लिया है एक पैन और इसमें हमने डाल दिया है नमक नूडल्स बॉईल करने के लिए। हमें उतना नमक चाहिए जितना कि एकदम सॉल्टी सी वाटर होता है, उतना नमक चाहिए हमें। हम इसे ढक दे के बॉईल के लिए रख देंगे। अब पानी बॉईल हो चुका है, अब हम हमारी नूडल्स ऐड करेंगे इसमें और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमें इसे अल्तांते कुक करना है, मतलब 90% कुक करना है। वो मैं आपको बताऊंगी वो कैसे होता है। हर नूडल्स का समय अलग अलग होता है कितना कुक करना। आपको च्यू करके उसकी बाइट से समझ लेना है कि हमारी नूडल्स कुक हो ही गई है या नहीं। आप देख रहे हो नूडल्स सेपरेट हो रही है। ये देखिए इसमें एक छोटी सी डॉट आए, तभी तक हमें कुक करना है, उसका मतलब हमारी नूडल्स 90% कुक हो गई है। आप समझ लो कि आपकी नूडल्स कुक हो गई है और उसके बाद में हम इसे एक स्ट्रेनर में डाल देंगे और हम इसे पानी से धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च सारा निकल जाए। सीजनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है इस नूडल्स की जो हम अभी करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हम इसमें डालेंगे ऑयल, हम इसमें डालेंगे सोया सॉस ताकि नूडल्स अच्छे से कोट हो जाए इतने देर जब तक हम अपनी सब्जियां फ्राई करेंगे। इवन कलर आने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमने ले लिया है उसी पैन में ऑयल। ट्रेडिशनली ये बड़े वॉक में कुक किया जाता है, हमारे घर पे इतने बड़े बड़े बर्तन नहीं होते तो हम इसमें कुक करेंगे। हमने डाल दिया है जिंजर गार्लिक और हमारी मिर्ची। अब हम इसे एक मिनट तक सौते करेंगे। अब हम डालेंगे कैबेज, उसे भी एक मिनट तक सौते कर लेंगे। हमें सिर्फ इसकी रॉनेस निकालनी है, इसको पकाना नहीं है एकदम से। हम इसे हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। इस ये वेजिटेबल स्टर फ्राई होते हैं चाइनीज़ में। ये हमारे ऑनियंस है, ये सब हमें हाई फ्लेम पे करना है। अब हम डालेंगे इसमें हमारे बाकी के वेजिटेबल बीन्स और कैबेज और इसे फिर से फ्राई कर लेंगे स्टर फ्राई। हमें कैप्सिकम अंत में डालना है क्योंकि वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, इसलिए हम इसे अंत में डालेंगे और इसे भी हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करेंगे। अब हम एक मिनट के लिए इसको ढक दे के कुक होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें हमारे सॉसेस। आप इसकी क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हो, आपके प्रेफरेंस पे है।
अब हम डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है मैगी मसाला। आपके पास मैगी हो तो आप उसका मसाला भी ऐड कर सकते हो, मैंने वही किया है। मेरे पास मैगी क्यूब्स भी अवेलेबल थी तो मैंने वो भी डाल दिए दो। यहाँ पर आपको ब्लैकिश कलर चाहिए तो आप सोया सॉस डाल सकते हो, रेड कलर चाहिए तो आप रेड चिली पेस्ट डाल सकते हो, इसमें रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो आप। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस लिया है। आपको अगर थोड़ा स्पाइसी कम चाहिए तो आप टोमेटो सॉस ज़्यादा डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर और हमारा विनीगर। इसकी भी क्वांटिटी आप घटा या बढ़ा सकते हो। मुझे थोड़ी रेडिश कलर चाहिए इसलिए मैं इसमें रेड चिली पेस्ट डाल रही हूँ ताकि इससे अच्छा कलर आ जाएगा। आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, आपको इससे ब्यूटीफुल कलर मिलेगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारे नूडल्स और हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। हमें गैस बंद कर देना है, हमें गैस पर नूडल्स को चलाना नहीं है क्योंकि हमारे पॉट्स एंड पैन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसे साइड में ले लिया है और हम इसे दो स्पून की मदद से इसे चलाएंगे। मैंने यहाँ पर दो स्पैचुला लिया है और मैं इसे हल्के हाथों से इसे चला रही हूँ ताकि सारी सब्जियाँ इसमें मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे मैं अपने स्प्रिंग अनियंस भी इसमें ऐड कर दूँगी गार्निश के लिए। तो लीजिए, हमारे हाका नूडल्स रेडी टू सर्व है। इंजॉय।